हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी धनतेरस। दोस्तों आज मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आप सभी लोगों के लिए टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। यस दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्टूडेंट का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। जैसे कि मैं इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एमए एजुकेशन पार्ट वन, एमए एजुकेशन पार्ट टू, फिर एमकॉम पार्ट टू, एमकॉम पार्ट वन, ठीक है, फिर एमए पार्ट वन एजुकेशन के जो मतलब रिपीटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, फ्रेशर के लिए भी है। बस सभी के टाइम टेबल को रिलीज़ कर दिया है। एमएससी के स्टूडेंट के लिए रिलीज़ किया हुआ है, टीवाई बीए के स्टूडेंट का रिलीज़ कर दिया है, टीवाई बीकॉम का रिलीज़ कर दिया है। और उसके पहले वीडियो में मैंने एफवाई बीए, एफवाई बीकॉम, एसवाई बीए, एसवाई बीकॉम, एफवाई बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैंने इसके वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। मैं एक एक आपको ओपन करके रफली थोड़ा फास्ट तरीके से आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, आपको ये बता दूँ कि कितने तारीख से कितने तारीख तक का आपका एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों ये जैसे कि टी वाई बी कॉम के स्टूडेंट की है, ठीक है, अपना विंटर सीजन के 2020-21 के ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनका है। सबसे पहले ये जो गाइडलाइन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम है कि आप लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो स्लॉट है वो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपन रहेगा। आप इन 9 बजे से 6 बजे के बीच में कोई भी बिटवीन 1 आवर्स का आप एग्जामिनेशन अपने हिसाब से शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप आके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने 5:30 से एग्ज़ाम देना चालू किया तो मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट 6 बजे बंद हो जाएगा, मतलब आपको हाफ एन आवर का ही टाइम मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे कि 5 बजे के बाद कोई एग्ज़ाम दे, जो क्योंकि फिर आपको टाइम कम मिलेगा। आपको जो भी 1 आवर्स लेना है वो 9 बजे से 6 बजे के बीच में ही लेना है। और आप लोगों का जो मॉक टेस्ट होगा, जो भी आपका हॉल टिकट होगा, वो आपके एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे कि मॉक टेस्ट आपका 3 दिन पहले आप लोगों का दिया जाएगा, और ये कंपलसरी काफ़ी स्टूडेंट को देना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पिछले साल भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए थे। तो इस बार याद रखना है कि सभी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट जो देने वाले हैं वो कंपलसरी देना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसके रिलेटेड मुझे क्वेरी आई थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी लोगों के लिए जो मैंने इस समय नोटिस बताया सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो टी वाई का, एम कॉम का, एम ए का हो, कोई भी स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो टी वाई बी कॉम के स्टूडेंट है, ट्यूजडे से आपका एग्जाम चालू हो रहा है 23 नवंबर से, 9 से 6 बजे का टाइमिंग जो स्लॉट मैंने बता दिया। सबसे पहला पेपर आपका फाइनेंस अकाउंटिंग है, फिर 23 को ही आप देख लीजिए कि आपका जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो उनका बिजनेस मैनेजमेंट का है, 24 को फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है, 24 को अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट तो बिजनेस मैनेजमेंट है, 25 को दोस्तों आपका है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, 25 को अगर बिजनेस का तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, 26 को बिजनेस इकोनॉमिक जो सभी के लिए कॉमन है, 27 को मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 29 को दोस्तों थोड़ा फांसी बोल रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, 30 तारीख को एक्सपोर्ट मार्केटिंग, 1 दिसंबर को दोस्तों आपका जो हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, 2 दिसंबर को दोस्तों आप लोगों का पेपर है मार्केटिंग रिसर्च, 3 को है इंडस्ट्री रिलेशन, और 4 तारीख को आपका लास्ट पेपर होने वाला है इंटरप्रीनियरशिप। ये दोस्तों टी वाई की स्टूडेंट की बात थी, आप देख सकते हो दोस्तों, आप वीडियो को पोस्ट करके भी एक बार टाइप टेबल देख सकते हो। नहीं दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एमकॉम पार्ट वन। इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम है, जो मैंने ऊपर दे दिया ये इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम है। ये देख लीजिए एमकॉम पार्ट वन का 23 से एग्जाम चालू हो रहा है, स्लॉट टाइम सेम है, पेपर कोड देख लेना। जो अकाउंटिंग स्टूडेंट है और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का सबसे पहला पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वालों का एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग, बाद में है 25 को आपका एग्जाम मार्केटिंग है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और अकाउंटिंग वालों का एडवांस कोर्स अकाउंटिंग, 27 को दोस्तों है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सभी के लिए केस अपना सेम होता है, चाहे वो अकाउंटिंग का स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट का, 30 तारीख को इकोनॉमिक एंड ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस, ये दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। दोस्तों ये था एमकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं एमकॉम पार्ट टू के स्टूडेंट के लिए, जो विंटर सीजन के हैं और या जो जनवरी से दिसंबर पैटर्न फ्रेश स्टूडेंट है एंड रिपीटर दोनों के लिए। जैसे कि एमकॉम पार्ट वन भी सेम, इधर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ,
ठीक है। तो ये देखिए विंटर सीजन सेकेंड हाफ और जनवरी से दिसंबर सेशन के स्टूडेंट भी इधर अप्लीकेबल है, रिपीटर स्टूडेंट भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम पार्ट टू का देख लेते हैं, हम पार्ट टू का टाइम टेबल नहीं देखें। तो ये देखिए पार्ट टू का है, वेनसडे 24 से चालू हो रहा है, ठीक है। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जो अकाउंटिंग के है तो उनका एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग है। देन दोस्तों उसके बाद जो आता है वो है अपना 26 तारीख को आपका एक दिन की हॉलीडे, आपको इधर इधर आएगा इंटरनेशनल मार्केटिंग। और सेकेंड टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का एडवांस ऑडिटिंग। देन मंडे को आपका जो है वो है अपना एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट, और अकाउंट्स वालों का है डायरेक्ट टैक्स, और एक सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी 1 दिसंबर को, ये दोनों के लिए सेम है, चाहे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या कोई के हो, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के हो। तो दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने TY बीकॉम, MCOM पार्ट वन, पार्ट टू या FY बीकॉम, SY बीकॉम, अगर दोस्तों आपको MCQs चाहिए, आपको ऑल सब्जेक्ट का MCQs ऑल स्टैंडर्ड का मिल जाएगा। आप इधर देख सकते हो, इधर आपको नाम दिख रहा होगा www.surajpateleducation.com, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इधर एजुकेशन में जाना है। ये देखिए MCOM पे क्लिक करोगे तो पार्ट वन पार्ट टू, बीकॉम पे क्लिक करोगे तो FY बीकॉम, SY बीकॉम, TY बीकॉम, आपको जो भी स्टैंडर्ड का चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको उस सब्जेक्ट के रिलेटेड काफ़ी MCQs मिल जाएंगे, जैसे कि इधर आपको इधर दिख रहा है। अगर आगे नहीं दिख रहा तो नीचे देखिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों और भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के MCQs आपको आते रहेंगे, तो आप जो सब्जेक्ट के चाहिए आप वो सब्जेक्ट के MCQs देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों इधर भी देख सकते हो कि आपको इधर भी हर सब्जेक्ट के लिए हर एक चीज़ बता रहा है, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। दोस्तों हम आप अभी आगे जाते हैं, हम TY BA जो स्टूडेंट है उनका भी एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं, विंटर सीजन के जो ईयरली पैटर्न के स्टूडेंट है। दोस्तों इनका आप ये देख लीजिए, टाइम टेबल आप देख लीजिए, काफ़ी लेंदी है, तो फिलहाल आप इस तरीके से वीडियो को थोड़ा पूछ करके भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 23 से इनका एग्ज़ाम चालू हो रहा है। आपका पेपर कोड देख लीजिए, पेपर कोड के हिसाब से आपके 23 को इतने सब पेपर होने वाले हैं। देन 24 को दोस्तों आपके वही जो ऊपर है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजिकल, 24 को ही ये सब है। सेम 24 के बाद ये सभी पेपर 25 को भी रिपीट होंगे, ठीक है, लेकिन आपके अलग आ जाएंगे फाउंडेशन कोर्स। आप इधर देख सकते हो, वीडियो को पोस्ट करके इसको मैंने आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट देख लीजिए। आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है दोस्तों जो चलेगा 27 से लेके आपका उधर से चालू है 23 से लेके 29 को भी है, 30 तारीख को भी है। लास्ट पेपर जो आपका होने वाला है दोस्तों वो देख सकते हो 2 दिसंबर, 2 दिसंबर का आपका दोस्तों लास्ट पेपर होने वाला है। आपको मैं फिर से पूरा पेपर एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ तारीख के वाइज, तो आप देख लीजिए आपका जो भी पेपर हो आप उसके हिसाब से वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार अपना पेपर कोड देख लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं MA पार्ट वन एजुकेशन के स्टूडेंट की। तो दोस्तों सेम जो भी मैंने गाइडलाइन MCOM वालों को दिया, TY वालों को दिया, सेम चीज़ है। 23 से पेपर चालू हो रहा है, पहला है एडवांस फिलोसॉफी, ठीक है। 25 को दोस्तों आपका चल रहा है एडवांस एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, 27 को है दोस्तों रिसर्च मेथोलॉजी इन एजुकेशन, 30 नवंबर को दोस्तों है टीचर एजुकेशन। ये MA पार्ट वन एजुकेशन के स्टूडेंट की थी बात। अब हम MA पार्ट टू एजुकेशन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इनका पेपर 24 से चालू हो रहा है, इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है। 26 को दोस्तों इनका हिस्ट्री का पेपर है। 29 को दोस्तों इनका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है। 1 दिसंबर को दोस्तों गाइडलाइन ऑफ काउंसलिंग का पेपर है। 2 दिसंबर को दोस्तों ओपन एंड डिजिटल लर्निंग, ठीक है, REV का पेपर है। तो दोस्तों ये MA पार्ट टू के स्टूडेंट का था। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बस इतना ही, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।